नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। हिमाचल सरकार में सीपीएस व अर्की से विधायक संजय अवस्थी रविवार को रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर धार पहुंचे और यहां मां भगाईड़ी के दरबार में शीश नवाया। इस दौरान उन्हें स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया। मीडिया से बात करते हुए सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि ये उनका निजी दौरा था और इस दौरान उन्हें जहां मां भगाईड़ी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, वहीं स्थानीय क्षेत्र के समस्याओं के बारे में भी जानने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग के मुताबिक जल्द इस इलाके में स्वास्थ्य व सड़क सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और मुख्य रूप से हॉस्पिटल हरिपुर धार में डी नोटिफाई किए गए सिविल अस्पताल को दोबारा नोटिफाई करने के प्रयास किए जाएंगे और ये मामला मुख्यमंत्री के सामने भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इलाका पर्यटन की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है और आने वाले समय में यहां पर्यटन को विकसित किया जाएगा। संजय अवस्थी ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश से भारी तबाही हुई है और नुकसान की भरपाई को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि नुकसान से रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका भी अछूता नहीं है और यहां बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। सीपीएस ने कहा कि क्षेत्र की सभी समस्याओं के बारे में वह स्थानीय विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। मंदिर में मैं माता के दर्शन के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया था और ये मेरा व्यक्तिगत प्रोग्राम था और आज यहाँ पर आकर जो है माता का आशीर्वाद मिला और बहुत सुंदर स्थान है, आस्था का प्रतीक है और मैं बड़ा प्रभावित हुआ एक बात से कि बहुत अच्छी साफ़ सफाई और यहाँ व्यवस्था जो बनाई है मंदिर कमेटी ने, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा और आने वाले समय में भी इस तरह जो है मिलजुल के, क्योंकि जब हम सब मिलके एकजुट होकर जो है इस तरह के कार्य में अपना सहयोग देते हैं तो स्थान भी विकसित होता है और आस्था भी बढ़ती है। यहाँ आकर जहाँ माता का आशीर्वाद मिला, वहीं स्थानीय लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला और यहाँ की समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिला, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात ले थी या फिर सड़क निर्माण कार्यों को लेकर था। और ये जो आपदा हिमाचल प्रदेश में अचानक आई है जिससे पूरा हिमाचल प्रदेश आज अस्त व्यस्त हुआ है, ये आपका क्षेत्र भी, यहाँ का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं रहा है और यहाँ की जो समस्याएं हैं यहाँ से मैं लेकर उनको लेकर जा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। यहाँ की जो लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको मैं उनके समक्ष रखूँगा और जो ख़ास तौर पर जो स्थानीय विधायक हैं और वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं श्री विनय कुमार जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है और क्योंकि ये मेरा अचानक प्रोग्राम बना तो किसी को भी इस बारे में सूचना नहीं थी, उनको भी नहीं थी और जो यहाँ पर मेरे संगठन के साथी हैं उनको भी कोई सूचना नहीं थी, तो ये अचानक उनसे रूबरू हुआ तो लेकिन यहाँ की समस्याएं मेरी भी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं आश्वासन दिलाता हूँ क्षेत्रवासियों को कि मैं इन समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रहूँगा और उनके समाधान के लिए अपना प्रयास करने की कोशिश करूँगा। साथ ही जो यहाँ की जो मांग थी कि सीएचसी से सिविल हॉस्पिटल बनाने की और जो सड़क निर्माण के लिए और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की, तो स्थानीय विधायक विनय जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इन कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।